ladies and gentlemen. Naya Daur, Tabla Tor, the grand finale! आज इस मंच पर लिखा जाने वाला है कॉमेडी के नए दौर का एक और महाअध्याय. आज है कॉमेडी सर्कस का 15वां ग्रैंड फिनाले. आज चुना जाएगा इंडियन कॉमेडी के नए दौर के विजेता को और विजेता को मिलेगा ट्रॉफी के संग सुहेल खान प्रोडक्शंस की फिल्म में एक रोल. आज क्रिसमस ईव पर आपको मिलेंगे अनलिमिटेड ठहाकों के तोहफे और अगले हफ्ते 2012 की पहली शाम होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी हंसी के नाम. नए साल की पहली शाम हम आपको बिठाएंगे लाफ्टर के रोलर कोस्टर पर, वो भी पूरे 3 घंटे. और अभी हम करेंगे उन सबसे खास हस्तियों का वेलकम. जीत और हार है जिनकी मुट्ठी में, जो बैठे हैं कॉमेडी की सबसे ऊंची कुर्सी पे. कॉमेडी सर्कस के हुक्मरान, प्लीज वेलकम अर्चना पूरन सिंह एंड सुहेल खान. और अब आएंगे वो जो आज पूरे इंडिया में कॉमेडी का दूसरा नाम बन चुके हैं, नए दौर के हास्य स्तंभ, कॉमेडी के सबसे बड़े प्लेयर्स. प्लीज वेलकम आवर फैंटास्टिक फोर फाइनलिस्ट. हमारी चारों फाइनलिस्ट जोड़ियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. इतनी धमाकेदार एंट्रीज के बाद अब आप लोग तैयार भी हो जाइए अपने धमाकेदार एक्ट्स के लिए. एंड ऑडियंस, गेट रेडी जंग, जश्न और जलवे के लिए. बेस्ट लक टीम. ग्रैंड फिनाले की शानदार शुभारंभ के लिए प्लीज वेलकम सुहेल के लाडले राजीव ठाकुर विद कॉमेडी के सुरों की सुगंध बिखेरती सुगंधा. हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. ये धुआं आपकी बीड़ी का था अर्चना जी, जो आपने मेरे एलिमिनेट होने की खुशी में पी थी. अच्छा. हाय. देखो मैं आज कबाल बना हूँ, गंदा गाऊंगा जरूर, तो भी आज एलिमिनेट आप नहीं होना. तो आज है फिनाले और हम हैं यहाँ के निकाले. क्यों निकाला, क्या बुरा किया था मैंने सिवाय एक्टों के? और सोहेल भाई आपको तो एक्ट भी बुरे नहीं लगते थे, क्योंकि सोए हुए आदमी को क्या पता क्या अच्छा हो रहा क्या बुरा हो रहा. एक बात तो फाइनल है कि कोई भी फिनाले ठाकुर के बिना नहीं होता है. बिल्कुल. अब देखिए सिंगिंग शो रॉकस्टार, वहां पे कपिल था, फिर भी फिनाले में ठाकुर को बुलाया गया हंसाने के लिए. और ये कॉमेडी शो है, यहाँ ठाकुर को बुलाया गया गाने के लिए. तो पहली बार सही माइक यूज कर रहा हूँ. आवाज इसमें उम्मीद करता हूँ आज भी गलती आएगी. मैं तो इतना खुश हूँ इन चारों के लिए, जोड़ियों के लिए इतना खुश हूँ कि आज मेरी तू भाई कृष्णा तू हंसले नकली, तेरा दूर से पता चल जाता है. श्वेता फाइनली तुझे भी हंसने की एक्टिंग करनी आ गई. तो मेरे पार्टनर ने तो इतने अच्छे अच्छे हंसने वाले गाने याद किए हैं ना कि वो आप सबकी खुशी में शामिल होना चाहती है. गा बे. इतनी बार मैं एलिमिनेट हुआ हूँ यहाँ पर, इतनी बार, लेकिन मुझे कभी दुख नहीं हुआ. अबे खुशी का गाना गाना था यहाँ पे, खुशी का. मैं यहाँ पे कॉमेडी कर रहा हूँ, तू कुछ करेगी? बिल्कुल करूंगी. हाँ. अर्ज किया है. कपिल मेरा भाई है, तो आज इसको मैंने बाहर ही पैसे दे दिए थे हंसने के लिए. हाँ. अर्ज किया है. बेटा जितनी तू सुंदर है तेरे घर में 6 बहनें हैं, तू ऑर्डर कर. तू अर्ज क्यों कर रही है? थैंक यू वेरी मच. ट्रॉफी से मुलाकात किसको चाहिए जब आपको सबकी स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई है? पैसे संभाल लूं, इतने पैसे तो कॉमेडी सर्कस नहीं मिलते आज, इतने आर्टिस्टों ने दे दिए मुझे.
और इतनी तारीफ शायद आपको पूरे सीजन में नहीं मिली होगी जो आज मिलने वाली है. क्यों सुहेल? It was fabulous to have you back, ठाकुर. And ये फिनाले आपके बगैर नहीं होता. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. और सुगंधा, आपकी तरह मैंने इतनी मल्टी टैलेंटेड लड़की नहीं देखी आज तक. अर्चना, आप क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? इस फिनाले में नहीं, लेकिन आगे बहुत सारे फिनाले हैं. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आपके लिए तो बहुत 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 फिनाले होंगे. राजीव, एक हमारा स्क्रीन प्ले को मेंटेन रखने के लिए. यानी हंसी का आईफुल टा. और इस टावर की ग्रैंडनेस को और भी ग्रैंड बनाने के लिए आ रहे हैं वो जिनके सिक्स पैक्स देखकर मुन्नी बदनाम हो जाती है, जिनके डोलो की साइज अर्चना की याद दिलाती है, जो दबंग फिल्म की जान है, सुहेल और अरबाज से इनकी जान पहचान है. जी हाँ, आ रहे हैं द हैंडसम, द हंक, द माचो मैन सोनू सूद. प्लीज वेलकम हिम. आपके संपर्क में आते ऐसी आवाज क्यों नहीं शुरू हो जाती भाई? वैसे हाउ आर यू? सोनू, ये सब क्या है? अरे नहीं यार, तुमने इतनी लंबी अनाउंसमेंट की कि तुम्हारे होठों के कच्चे धागों से मैं पीछे से बंधा चला आया. वेरी फनी. तुम्हें पता है, इन होठों पे पंचेस मार मार के ही ये सीजन आज तक के सारे सीजन से ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है. 26 की जगह 40 एपिसोड तक चला है ये सीजन. मालूम है किसकी टांगों पे? सुहेल की. सुहेल की? अरे एंकर तो यहाँ हर सीजन में टांगे दिखाते हैं, लेकिन ये पहला सीजन है जहाँ एक जज ने कुर्सी पे खड़े होकर अपनी टांगे दिखाई. चलिए तो सोनू, आप भी वहाँ पे जजेस सीट पे जाके बैठिए और अपना टैलेंट दिखाइए. जजेस की सीट पर? हाँ. अरे पगला गई हो का? अरे अर्चना के बाजू में बैठकर अपने दिमाग में इतने छेद हो जाएंगे कि हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अर्चना कौन सी और सुहेल कौन. अच्छा तो चलिए शुरू कीजिए आज की फिनाले की जंग. बस करो ए, प्रमोशन पे प्रमोशन, प्रमोशन पे प्रमोशन. अरे कितना करेंगे अर्चना और कृष्णा अपनी फिल्म का प्रमोशन. मेरी फिल्म का प्रमोशन को क्यों नहीं करता है पापा? सोनू, मामा. अर्चना और कृष्णा कितना भी प्रमोशन कर लें, लेकिन असलियत में उन्हें रोहित की फिल्म में क्या काम मिला है, ये आज मैं दिखाती हूँ. और यही दिखाने के लिए हमारी दो फाइनलिस्ट जोड़ियों के एक एक पार्टनर ने बना ली है एक नई जोड़ी. सो आ रहे हैं कृष्णा एंड भारती. प्लीज वेलकम देम. ओह माय गॉड. अर्चना जी, क्या बात है? थैंक यू. अच्छा डांस कर लेती हूँ ना? बहुत बढ़िया. पैक अप, अरे पैक अप नहीं बोला उसने, पैक अप बोला है डायरेक्टर ने. I'm sorry, मैंने सोचा कि पैक अप. नहीं नहीं. ही क्या कर रहे हो? 6 बज गए हैं, जयपुर की फ्लाइट मिस हो जाएगी. जयपुर? मुझे क्यों कह रही हैं आप? पिछली बार जयपुर की फ्लाइट आप ही की वजह से मिस हो गई थी. अरे पता है कितनी प्रॉब्लम हुई हम लोगों को? वो तो इनको 4 पैक पिलाने पड़े, फिर इन्हीं को प्लेन बनाकर इनके मुंह के अंदर बैठकर जयपुर गया था. कितनी प्रॉब्लम हुई थी साला, मुंह के अंदर मेल्ट हो गया था, दांतों के बीच फंस गया था, बहुत टेंशन हुई थी मेरे. कृष्णा, माइंड ब्लोइंग बन जाइए. आज मैं समझ ही गई तुम बैक स्टेज भी काफी फनी हो. अरे थैंक यू अर्चना जी, कमाल के बूट पहने, बहुत बढ़िया. तुम भी ना, बस चलो फटाफट करते हैं, जयपुर की फ्लाइट मिस ही ना हो जाए. हाँ. ये क्या कर रही हैं आप? ये सब खाली पैकेट हैं. अरे तुम्हें क्या पता इनका मजा, चटनी के साथ खा कर देखो. रैपर चटनी का तो कोई मजा ही और है. रैपर चटनी? अबे इस पे हंसने की जरूरत नहीं है, तो कुछ भी नहीं है. पिछली बार साउथ अफ्रीका से 3 रैपर आए थे, उनको भी चटनी में डालकर खा गई थी. पीना कृष्णा, फ्लाइट आ गई मैडम, फ्लाइट आ गई. पकड़ो पकड़ो. क्या हुआ? अरे क्या देख रही है, फ्लाइट मिस हो जाएगी, आइए. ओह कम ऑन कृष्णा, ऐसी कोई फ्लाइट ही नहीं बनी जो अर्चू को लिए बिना उड़ जाए. एक मिनट,
ये क्या? ये फ्लाइट इतनी आवाज क्यों कर रही है? आप भी ना अर्चना जी, इतना बनती है आपको मालूम है, ट्रेन में जा रहे हैं हम लोग, फ्लाइट इतनी आवाज करती है। तभी मैं सोचूं कि फ्लाइट से चुक चुक की आवाज कहाँ से आ रही है। मैडम, ये सोहेल जी आपको कैसे लगते हैं? घटिया है? बातें मत करो। खैर ये बताइए मैडम, आपको क्या लगता है इस बार का सीजन कौन जीतेगा? ओह माय गॉड, कितना मुश्किल सवाल पूछा कृष्णा तुमने। भारती को स्टैंडिंग ओवेशन मिली है। हाँ। इसका मतलब कपिल ही जीतेगा। क्या हुआ? कुछ गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है, एक मिनट मैडम। ओह लगता जयपुर आ गया। जयपुर आ गया। वो क्या है? अरे कितने प्यारे ऊंट हैं, देखिए चल रहे हैं। चलो ना, उतरो, जयपुर आ गया। ओह गॉड, अरे सेट पर आ गए। आ गए तुम लोग, अर्चना जी। हाय बेबी, हाय रोहित। हाय रोहित। रोहित ठीक है, ज्यादा ज्यादा जरूरत नहीं, ठीक। आप नहीं है एक्चुअली, बहुत प्यार करता है मुझसे, ऐसी मेरी तारीफ करता है। चेंज कीजिए। चलो ना सर। अरे बोल दिया, गाली खाओगे अब उससे। बड़ा रैप पे जाके आगे आगे बोलती थी, बोल वचन कर रहा हूँ, जयपुर में सेट लगाए और मैंने बहुत अच्छा काम किया है। वाकई अच्छा काम कर रहे हो तुम। उधर से कर कचरा रह गया। मैंने कहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। रोहित जी यहाँ पर टीले पे कचरा साफ करवाते हैं मुझसे। कृष्णा तेरा दूसरा शॉट रेडी है। हा? सब चाय पीने के लिए तरस रहे हैं। जाओ जाके चाय बनाओ। बड़ा आगे चढ़ चढ़ के कहता था कि मैं बोल बच्चन में काम कर रहा हूँ, असल में ये इधर बोल बच्चन करता था, उधर तो साला झाड़ू मारता है। फोन आ गया। ओह माय क्यूटी पाई निकुल गांडा। हाय निकुल। आउच कृष्णा, प्लीज पानी मत डालो मुझ पे। हाय निकुल, एक्चुअली पूरी टीम स्विमिंग पूल में नहा रही है। आओ प्लीज। अरे झाड़ू, आई मीन पानी लग रहा है मुझे। हाँ, अरे देखो रोहित पे छलांग लगाने वाला है। फोन रखो। निकुल मुझे कोई बुलाने आया, एक्चुअली मेरा अजय देवगन के साथ एक रोमांटिक सीन होने वाला है। बाय गांडा। दूध उबलने को रखा है मैडम। क्या हाल हो गया जयपुर में। खैर अर्चना जी, आज फिनाले है, कुछ बताइए ना कौन जीतेगा इस शो में। ओह माय गॉड, फिर से मुश्किल सवाल। चारों जोड़ियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ कहना मुश्किल है, कपिल ही जीतेगा। बार बार कपिल कपिल, झाड़ू मारिए आप, उधर से साफ करिए। तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी जज हूँ कृष्णा। अरे जज आप वहाँ पर हैं, यहाँ पर नहीं, वहाँ मत आप। जब देखो कपिल जीतेगा, कपिल जीतेगा, तीन सीजन से वही जीत रहा है। तुम रो रहे हो कृष्णा। हेलो बेबी कृष। अरे बम्बई जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, इतने बोल बच्चन दिए मैंने वहाँ पर। रोहित शेट्टी की पिक्चर में काम कर रहा हूँ, सेट लगा हुआ। अरे ये तो ठीक है, मेरा सोचो, हर महीने लंदन जाती हूँ अपने बेटे के पास, पूछता रहता है मम्मा कब आ रही हो बोल बच्चन। क्या बोलूं बेटा, वहाँ पे जाके झाड़ू मारती हूँ। मैडम वो थोड़ा रैपर गिरा, वहाँ साफ कर दो। मुझे पैसे चाहिए इस काम के। पैसे चाहिए? हाँ। हेलो। हाँ रोहित जी, अर्चना जी पैसे मांग रही काम करने के। हाँ। कहते रिटर्न टिकट देकर बंबई भेज दो। हाँ? अच्छा सर, क्या मैं भी चला जाऊं? हाँ? क्या हुआ कृष्णा? कुछ नहीं कुछ नहीं, आदमी बहुत अच्छा है, निकाल दिया पिक्चर से लेकिन गाली नहीं दी मेरे को। तुम रो रहे हो ना कृष्णा, भूख लगी है ना। हाँ। मुझे तुमसे भी ज्यादा लगी है। क्या करे फिर? तुम्हारी आंखों में मुझे एक ही बात दिख रही है। क्या? कि अर्चना जी वापस वहीं चले। तो चले वहां पर।
कहाँ? जहाँ पर हफ्ते में सिर्फ एक दिन शूटिंग होती है लेकिन पेट भर खाना तो मिलता है। कितनी सच्चाई है इसमें, अब आप ही हमें बताइए। कॉमेडी सर्कस को हमेशा बोलते हैं रियलिटी शो है, रियलिटी शो है। इतने सारे एपिसोड्स में मुझे कभी मर्दाना कहा गया और बोला कि मैं बीड़ी पीती हूँ और शराब पीती हूँ और मैं मेरे बच्चे मुझे पापा बोलते हैं, मतलब सब ऑब्वियसली झूठ है बढ़ा चढ़ा के। पहली बार किसी एक्ट में सच्चाई दिखाई है। थैंक यू शो को जीतने वाली जोड़ी को। सुहेल खान प्रोडक्शंस में एक रोल मिलने वाला है, आप उनसे ये तो नहीं कराएंगे ना? नहीं 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 ना, अब पता लगेगा। लेकिन इनको लेने के बाद मुझे ये काम करना पड़े। सुपर क्यूट एक्ट, जो आपका कल्मिनेशन है, जो आपने पहले से शुरू किया था, क्या मैं चलो मैं भी उसकी प्रमोशन कर देता हूँ कि आप जयपुर में सेट लगा हुआ है एंड बिग फैन ऑफ रोहित एंड द फिल्म दैट यू आर डूइंग, सो आई होप द बेस्ट टू बोथ यू गाइस। जोरदार तालियां हो जाए। अर्चना तनु रब राखा, सोहेल तनु मेरा बराखा, रोशनी तुम्हें कोई रखे ना रखे तुम्हें मैं रखूंगा। सोहेल जी, जब आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं और हंसते हंसते अपने आंसू छुपाते हैं, मेरे को पता चल जाता आप उसी कुर्सी पे बैठे हो जिस पे मैं बैठता था। सालों ने अभी तक कील नहीं निकाली इसकी, इनके नाम पे ठोको ताली। वैसे एक बात कहूं सोहेल जी, आप में और मेरे में कुछ खास फर्क नहीं है। आपका बड़ा भाई बदमाशी करता है, मेरा छोटे वाला करता है। अब मेरा छोटा रहा पता नहीं किधर गया। ओ छोटे, ओ बंद करो, किस दोनों बड़े वहां। सबसे पहले माँ बहन, माँ बहन भाजी 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 पैर बहना दफा हो जा। जब पप्पी लेने जाता तब तो तेरे को भाई की याद आती ना, पैर ही बना पैर ही बना। भाजी सच्ची मैं बोलूं, जब मैं पप्पी ले रहा था ना मुझे आपकी बड़ी याद आई। सच्ची भाजी भाजी, जब मैं पप्पी ले रहा था मैं थोड़ा डर गया, मैं क्या अगर फंस गए तो भाजी बचा लेंगे। ये ना याद आपको, जोर दो तालियां भाजी के लिए। भाजी हेलो, हाँ जी मैं डिंग चुका। हाँ भाजी, प्रीतम प्रीतम बहुत सोना फोन किया आपने। हाँ यार, मैं सुबह से तुम्हारे काम पे लगा हूँ, नहीं यकीन तो मेरे सपोर्ट बॉय से पूछ ले। सुबह से क्लाइंट के घर में बैठा हूँ, तेरे लिए एक सी फ्लेस फ्लैट देखा मैंने। एडवांस दे के भी बेचोगे 7 लाख रुपए छोड़ जाएगा। भाई क्या बात है, सब्जी वाला थोड़ी ए, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक। हाँ यार, सुबह से तेरे गाने की धुन बना रहा हूँ, नहीं यकीन तो मेरे सपोर्ट बॉय से पूछ ले। सुबह से स्टूडियो में बैठा रियाज कर रहा हूँ। क्या कहा, धुन बनाने की जरूरत नहीं है? अच्छा जिसका ओरिजिनल था वो आ गया, तो यार मेरे को ऐसे गाने क्यों देता है? चल फोन रख अब। भाई 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 क्या बात है, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, मेरे को कह रहा था तेरे से फिल्म में गाना गवाना। जो लो तालियां भैया, भाई के लिए गाना गा रहे हैं। एक बात बता छोटे, शो में क्या कर रहा है भाई? आप तो जानते हैं जिसने भी शो हिट कराना होता है वो मीके को बुला लेते हैं। मेरे को बुलाया तो मुझे क्या, तबला बजाने के लिए बुलाया? मुझे भी शो को हिट कराने के लिए बुलाया? भाई क्या बात कर रहे हो, हेलो ये क्या हो रहा भाई? अगर आपको बुलाना होता तो फिर आपको यहाँ से निकाला क्यों? वो तो मैं पिछले सीजन में कुछ दिए कुछ ज़्यादा जला दिए थे, विपुल शाह मेरे दिए जलाने से इतना खुश हो गया, उसने सारे सेट की लाइटिंग मुझे दे दी। अब ऑप्टिमिस्टिक और सोनी का जितने भी शो होते हैं सब में मैं लाइटिंग करता हूँ। कमाल कर रहे हैं भाई, मुर्गे अलग से मिलते खाने को। बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ गया, अब सचमुच का पैर लगाता हूँ। जिंदे रहो, बहुत सोना रब रखा। जब मैं इस शो में जज था तो आप लोगों ने 22 एपिसोड बनाए, अब सोहेल को रखा तो आपने 44 बनाए। मेरा 22 का नुकसान क्यों किया? मेरे को 22 एपिसोड के पेमेंट चाहिए। 22 एपिसोड के पैसे लेके जाऊंगा रब रखा। भाई भाई गुस्सा ना दिखाओ, नहीं तो 22 एपिसोड के पैसे भी मर जाने। नहीं तो जो खाना फिर वो खा लो। हेलो हेलो भाजी, भाजी फोन प्रीतम। हेलो, ओ नहीं यार 3 BHK मैं रखता नहीं हूँ, 3 BHK लेता कौन है आजकल? तुम ऐसा करो मीका से मिल लो, आप 3 BHK, आप ऐसा करो 1 BHK के 3 ले दूं। रोशनी, आज जब क्रिसमस ईव पर कॉमेडी सर्कस ने सबके जबड़ों का जिंगल बेल कर दिया है, तो न्यू ईयर पार्टी पे तो तुम लोग ब्लास्ट कर दोगे भाई? हाँ बिल्कुल, 1 January को तो लगातार 3 घंटे होगी हमारी लाफ्टर पार्टी इन कॉमेडी सर्कस वेलकम्स 2012। होगा इतना धमाल कि सबको याद रहेगा पूरा साल। और अभी तो ग्रैंड फिनाले की धूम भी खत्म नहीं हुई है,
फिनाले तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ग्रैंड फिनाले का फाइनल चैप्टर लिखा जाएगा कल। क्रिसमस में होगा लाफ्टर का सबसे बड़ा कार्निवल। तो हंसी के महा उत्सव के लिए, कॉमेडी के महा विजेता से मिलने के लिए, बी विद अस ओनली ऑन कोहिनूर द ट्रू बासमती प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर, तबला तोड़ द ग्रैंड फिनाले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।